सन 2014 में मुस्लिम बस्ती के कब्रिस्तान के ऊपर लोगों को होने वाली समस्या को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। समुदाय में ये समस्या करीब 30 सालों से थी, जिसमें लोगों को दफनाने में जगह की भी कमी थी और मुश्किल भी परेशानी आती थी। इस समस्या के कारण समुदाय में जो भी लोग किसी की डेथ होती है या किसी की मैयत हुई, तो फिर उनको दफनाने के लिए एक तो जगह की भी कमी पड़ गई और दूसरी वहाँ आने जाने के लिए रात में अगर किसी की मैयत होती है तो ना तो सड़क, ना लाइट, ना पानी का इंतजाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये समस्या समाज के लिए बढ़ गई। ये समस्या बार बार बताने के बाद एक बार वीडियोग्राफर शंभूलाल जी की तरफ से भी पूरे कब्रिस्तान की वीडियोग्राफी करवाई और उसकी रिपोर्ट हमने पंचायत में पहुंचवाई। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को भी वो पूरी रिपोर्ट बताई और फिर उसके एवज में उस वक्त पंचायत ने उस पर कुछ ध्यान देते हुए एक आने जाने के लिए एक सड़क का निर्माण जरूर करवाया। कब्रिस्तान जाने के लिए मैयत को ले जाते वक्त अगर कोई सामान जैसे थोड़ा पत्थर वगैरह ले जाने पड़ते हैं या और भी कोई सामान, या टू व्हीलर या फोर व्हीलर तक कब्रिस्तान के पास तक आराम से पहुंच सकता है। इसलिए ये बदलाव आया कि इस मामले में टू फोर व्हीलर पूरा कब्रिस्तान के मुहाने पर जाकर खड़ा हो सकता है। मैं एक सामुदायिक पत्रकार होने के नाते मुझे इतनी खुशी मिली, जो काम मुस्लिम बस्ती का 40 साल से नहीं हो पा रहा था वो काम मेरी एक वीडियो से ये बदलाव आया कि आज वो सार्वजनिक सड़क पक्की सड़क बना दी गई है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी खुशी है। मुझे उनकी खुशी देखकर आगे काम करने का प्रोत्साहन मिला। मैं शंभू राज तंवर, देलोड़ा से, इंडिया अनहट के लिए।